हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो है हम भारतीय राज्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संविधान के स्रोत को देखेंगे। इस टॉपिक से जो लगभग परीक्षा में प्रश्न बनता है, तो लास्ट टाइम एग्जाम से पहले इसे आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपका जो है रिवीजन हो जाए। तो चलिए जो है फटाफट इसे हम लोग देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं संविधान के स्रोत तथा उनसे ली गई विशेषताएँ। तो एक तरफ जो है आपका स्रोत दिया गया है, दूसरी तरफ कौन सी विशेषताएं ली गई है। तो भारत शासन अधिनियम 1935 से जो है आप देख सकते हैं संघीय तंत्र लिया गया है, राज्यपाल का कार्यालय लिया गया है, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन उपबंध, यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपका जो है लोक सेवा आयोग, कई परीक्षाओं में जो है पूछा गया कि कहाँ से लिया गया है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। उसके बाद अगला है आपका ब्रिटेन का संविधान। तो आप देख सकते हैं ब्रिटेन के संविधान से विधि का शासन लिया गया है, संसदीय शासन व्यवस्था लिया गया है और एकल नागरिकता, ये जो है आपका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। उसके बाद अगला है अमेरिका का संविधान। तो अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है, न्यायपालिका की स्वतंत्रता लिया गया है, न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत लिया गया है, उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना और राष्ट्रपति पर महाभियोग उद्देशिका का विचार, ये सभी जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपका मूल अधिकार पूछा जाता है और महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया, तो दोनों ही जो है आपका अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला आपका आयरलैंड का संविधान। तो यहाँ से आप देख सकते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत लिए गए हैं, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों का नामांकन, यह आपका आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। इंपॉर्टेंट है आपका राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत पूछा जाता है किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट आपका कनाडा का संविधान। तो कनाडा के संविधान से आप देख सकते हैं सशक्त केंद्र तथा केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था और केंद्र के द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना और केंद्र राज्य संबंध, ये जो है कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। तो केंद्र राज्य संबंध और अवशिष्ट शक्तियाँ पूछा जाता है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपका हो जाएगा कनाडा के संविधान से। उसके बाद अगला है आपका ऑस्ट्रेलिया का संविधान। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से आप देख सकते हैं समवर्ती सूची ली गई है, तो यह भी जो है आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है आपका जर्मनी का वाइमर संविधान। तो यहाँ से आपातकाल के समय मूल अधिकारों का हस्तगन जो है लिया गया है। और अगला है आपका पूर्व सोवियत संघ का संविधान, जिसको रूस कहा जाता है। तो रूस के संविधान से आप देख सकते हैं कि मूल कर्तव्य लिया गया है, प्रस्तावना में न्याय का आदर्श लिया गया है और पंचवर्षीय योजनाएँ जो है आपका लिया गया है रूस के संविधान से, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अगला है आपका दक्षिण अफ्रीका का संविधान। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से आप देख सकते हैं संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। अगला आपका जापान का संविधान। तो जापान के संविधान से जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया लिया गया है। तो दोस्तों जो है ये हो गया आपका भारतीय संविधान के विभिन्न स्रोत, जहाँ से जो है लगभग परीक्षाओं में प्रश्न यहाँ से बनता है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।